वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मोशन एंड टाइम के बारे में। मोशन क्या है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वन प्लेस से अदर प्लेस का मूवमेंट है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ही जगह पे हम हाथों को ऐसे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये भी तो मूवमेंट ही है। ये भी क्या है? मोशन ही तो हो रहा है। तो हिंदी में हम लोग मोशन की बात करें तो मोशन का मतलब क्या होता है? गति। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन दूसरी पोजीशन पहुंचता है तो हम उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो मोशन का मतलब क्या हो गया? गति, चलना। मोशन का मतलब क्या हो गया? चलना, मूवमेंट। मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मोशन दो प्रकार के होंगे, एक होगा स्लो, दूसरा होगा फास्ट। हम हाँ ये डस्टर लिए, इसको जल्दी जल्दी ऐसे शेक कर रहे हैं, क्या हो गया? फास्ट। और आराम से कर रहे हैं तो स्लो। व्हीकल चलाते हो, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, जब आप तेज चलाते हो तो फास्ट मोशन में आएगा और धीरे चलाते हो तो स्लो आएगा। अब ये मोशन हम लोग जो बात करते हैं फास्ट और स्लो, ये तो क्या है? प्रोसेस है, तेज चलना और धीरे चलना। तेज चलना और धीरे चलना क्या है? प्रोसेस है। मोशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बात करते हैं कार के मोशन के बारे में। तो कार का मोशन हम लोग क्या बोलेंगे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस कार जाएगी तो उसका मोशन हो रहा है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है तो उसका क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है, मीन्स चल रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उससे रिलेटेड टर्म है स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो उसमें स्पीड भी होगी। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड कहां से न्यू एक वर्ड आ गया, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? सभी लोग जानते हैं कौन सी चीज कितनी तेज चल रही है, कौन सी चीजें कितनी तेज चल रही है। तेज चलना स्पीड जो हम लोग बोलते हैं, तो नॉर्मल है। स्पीड का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस चली कोई ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस चलता है, ऑब्लिक टाइम टेकन, और उस डिस्टेंस को चलने के लिए कितना टाइम से लगा, इसको डिनोट करते हैं हम किससे? स्पीड। मतलब ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए, ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस लगी, कितनी दूरी है, इस डिस्टेंस को मेजर कीजिए, और यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा उसको मेजर कीजिए। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जितनी डिस्टेंस चला उतने डिस्टेंस को चलने के लिए कितना समय लगा उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हम बोलते हैं उसको क्या? स्पीड। ये बात आपको समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं कि स्पीड के बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम की, स्पीड के बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात कर लें कि टाइम किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग बात करें कि आपने देखा होगा क्लॉक, टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक, रिस्ट वॉच आती है, मोबाइल में आजकल डिजिटल क्लॉक्स आती है, आपने घड़ी भी देखी होगी घरों की दीवारों पर। टाइम उसी से देखते हो कि आज 12 बजा है, 2 बजा है, 4 बजे है, 5 बजे है, कितना टाइम हुआ है, आप उसी से देखते हो। टाइम मेजरमेंट आप किससे देख रहे हो? क्लॉक से देख रहे हो। कई बच्चों ने ये भी देखा होगा कि एक जो स्कूल वगैरह में या फिर कई ऑफिस में रेलवे स्टेशन में एक क्लॉक लगी होती है जिसमें पेंडुलम लगा हुआ होता है। एक क्लॉक होती है जिसमें क्या लगा हुआ होता है? पेंडुलम लगा हुआ होता है। ऐसा ये पेंडुलम चलता है, ये पेंडुलम ऐसे मूव करेगा, फिर यहां से ऐसा आएगा और इधर की तरफ जाएगा, फिर यहां से वापिस आएगा और फिर इधर की तरफ जाएगा। तो ये पेंडुलम क्या होगा? यहां जाएगा, फिर रिटर्न आएगा ऐसा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा। तो ये जो टू और फ्रो मूवमेंट है, आगे जाना और फिर पीछे जाना, ये पेंडुलम ऐसा मूव करता है। घंटा घर आपने देखा होगा, अगर घंटा घर जो लगे होते हैं, बड़े बड़े घंटा घर होते हैं, बड़े बड़े सिटीज में, वहां पे ये पेंडुलम ऐसा काम करता है। ये पेंडुलम कैसे काम करता है? ये पेंडुलम आगे की तरफ जाता है और फिर एक बार वापस आएगा अपनी पोजीशन में, फिर इस पोजीशन से इधर की तरफ जाएगा और फिर इस पोजीशन में वापस आएगा, फिर ये कंटिन्यूअस ऐसा चलता जाएगा। कंटिन्यूअस ऐसा क्या होगा? वो चलता जाएगा, उसका मूवमेंट कंटिन्यूअस चलता जाता है। अब आपको मैं इसमें दो चीजें बताता हूं। ये जो पेंडुलम है,
ये पीरियोडिकली चलता है, इसका जो मूवमेंट होता है ये कैसा मूवमेंट होता है, पीरियोडिकली मूवमेंट होता है। पेंडुलम का मूवमेंट कैसा होता है, पीरियोडिकली मूवमेंट। पीरियोडिकली मतलब क्या है, उसका टाइम जो है आगे जाने का और फिर वापस आना और फिर आगे की तरफ जाना फिर वापस आना फिर ऐसे जाना फिर वापस आना फिर ऐसे जाना और वैसे वापस आना, उस टाइम में जो इंटरवल है वो हमेशा सेम रहता है। वो टाइम इंटरवल कितना रहता है, हमेशा सेम रहता है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं होते। ऐसे जाने के जितना समय उसे एक बार लगेगा वो हमेशा ही उतना ही समय लगता है और उतने ही समय में वो वापस आता है, उतना ही समय उसे लगता है दूसरी तरफ जाने में और फिर वहां से वापस आने में। तो इसको मूवमेंट कैसा होता है, पीरियोडिकली मूवमेंट होता है, एक ही मूवमेंट करता है, ऐसा ही जाता है वो आगे पीछे नहीं जाएगा, वो ऐसा चलेगा फिर वापस आएगा फिर ऐसा चलेगा फिर वापस आएगा फिर ऐसा फिर वापस, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इस पेंडुलम में आपने देखा है एक ऐसी बॉब लगी होगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बॉब। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग से लटका हुआ होता है और ये इसका क्या है, सपोर्टर बेस स्टैंड होता है यहाँ पे। ये मोशन और टाइम को मेजर करने के लिए बताया आपको मैंने। अब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की। तो एक मिनट में लोग ऑसिलेशंस की अगर बात करें तो ऑसिलेशंस का मतलब क्या हो गया, अपनी पोजीशन में कितना समय वो लेता है। मीन्स ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, एक पेंडुलम है वो यहां से यहां जाना फिर यहां से वापस आना इसी पोजिशन पे फिर यहां जाना फिर यहां से वापस आना, ये पूरा क्या हो गया, वन ऑसिलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन, मतलब एक पूरा कंप्लीट करने के ट्रू और फ्रो मूवमेंट, एक पूरा जब कंप्लीट होता है उसका, एक बार ट्रू जाएगा फिर वापस आएगा फिर फ्रो जाएगा फिर वापस आएगा, ये पूरा मूवमेंट कहलाता है वन ऑसिलेशन। पूरा मूवमेंट क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन कहलाता है। यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करें अगर, तो टाइम और स्पीड की यूनिट अगर हम लोग बात करें तो यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकेंड, जो टाइम को हमेशा सेकेंड से डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ टाइम बात करें तो क्या होती है, सेकेंड, सिंबल है एस। और यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर सेकेंड। जब मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये दोनों से ही हम स्पीड को मेजर करते हैं कि मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर कितने किलोमीटर चलती है एक घंटे में, ये स्पीड बताएगा उसका। अब स्पीड को मेजर करने के लिए आप सभी को पता है कि हम जब गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी को स्पीडली चलाते हैं, तो गाड़ी में एक मीटर लगा हुआ होता है और वो मीटर बताता है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है। इसी प्रकार से वो बसों में होता है, कार्स में होता है, ट्रेन्स में होता है, प्लेन्स में होता है, सभी जगह वो मीटर लगा हुआ होता है और वही बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हम लिख लें यहाँ पे, टू मेजर स्पीड क्या यूज करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्पीड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफ्स में बात करने से पहले एक और बात करते हैं, गाड़ियों में आप लोगों ने देखा है डिस्टेंस भी बताती है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई। गाड़ी के अगर आप लोग मीटर देखिए तो स्पीडोमीटर तो रहता ही है, साथ में एक और मीटर होता है तो ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो वो जो मेजर करता है किसको, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। डिस्टेंस को कौन मेजर करता है, वो ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का काम करता है डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ऑडोमीटर।
ठीक है। इसके बाद हम लोग पोजीशन और टाइम का जो रिलेशन है उसे ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ आखिर किस प्रकार के बनते हैं। तो ग्राफ आप लोगों ने पढ़े हैं, कई सारे टाइप से ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे ग्राफ होते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ग्राफ बनता है, हम क्या करते हैं, एक तरफ डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ टाइम लेते हैं, कितने डिस्टेंस के लिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और कितना समय लगा। हम मानते हैं 1 किलोमीटर के लिए कितना लगा, 1 सेकंड। टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा और डिस्टेंस किस में रहेगी, हमेशा मीटर में यहाँ रहेगी, यहाँ डिस्टेंस किस में रहेगी, मीटर में। या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि डिस्टेंस किलोमीटर में लिख लेते हैं और टाइम मिनट्स में लिख लेते हैं। टाइम किस में लिख लेते हैं, मिनट्स में, MIN लिख लेते हैं, मीटर समझ में आएगा। ये देखिए तो डिस्टेंस इसमें ले लिया हम लोगों ने किलोमीटर और टाइम ले लिया किसमें, मिनट में। अब मान लेते हैं हम लोग क्या कि 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1 मिनट लगा, 2 के लिए 2 लगे, 3 के लिए 3 लगे, ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के लिए 3 मिनट लगता है। तो अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग ले लीजिए, नीचे क्या रखेंगे आप लोग हमेशा, एक्स एक्सिस पे आपका रहेगा क्या हमेशा टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा डिस्टेंस। अब हम लोग यहां पे मेजर कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4, 1 के लिए कितना चला 1, 2 के लिए कितना चला 2, 3 के लिए कितना चला 3। तो इसका जो बॉक्स में कैसा बनेगा, ऐसा, ये इस प्रकार से क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। बात समझ में आई आपको, ग्राफ आपको यहाँ पे 3 प्रकार के ग्राफ दिए गए हैं। अगर आप लोग अपनी बुक में ध्यान से देखें तो मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ जहां पे आपके ग्राफ बने हुए हैं, जो आपको बुक से पढ़ना है और समझ में आने पर मुझसे पूछ भी लेना है। आप लोग बुक में अगर ध्यान दें तो बुक में पेज नंबर 151 से आपका स्टार्ट है, तो पहला बार ग्राफ बना के दिखाया गया है, फिर उसके बाद 151 से आपका ये पूरा ग्राफ ही बताया गया है, फिर उसके बाद एक लाइन ग्राफ भी बताया गया है, ठीक है। 3 प्रकार के ग्राफ आपको बताए गए हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, ये आपको इस प्रकार के ग्राफ बताए गए हैं। और ग्राफ किस तरह बनाना है वो मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ओके। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।